गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बी के प्रसाद, यू आर माय टीचर फ्रॉम भागवत गीता। टुडे वी डिस्कस क्वाड्रिलेटरल। एक से क्वाड्रिलेटरल के क्लासिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल का मतलब फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो ये फोर लाइन सेगमेंट है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी एंड चौथी। ऐसे ये फिर जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आके वापस एंड किया, तो ऐसे स्थिति में इसे हम क्लोज फिगर कहेंगे। और इस फिगर को जहाँ फोर लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर तैयार हुआ उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल को हमने क्लासिफाई किया है छह तरीके से। ये तो सिंपल तरीके से क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्लासिफिकेशन के हिसाब से विशेष रूप से जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे वो छह तरह के होंगे। छह तरीके में अब आप देखें कि कैसे उसको हम क्लासिफाई करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं, जब चारों साइड इक्वल हो, मतलब ऑल साइड जिसके इक्वल हो, साथ साथ इसमें चार एंगल, ये चारों एंगल भी आपस में इक्वल हो, इन चारों एंगलों का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, देन इसे हम कहेंगे स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के ऊपर से कर दिया जरा सा ये फिगर पड़े थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब इसमें भी हमारे ये चारों साइड इक्वल है, क्योंकि इसमें चारों इक्वल है तो ये भी इक्वल ही है ये साइड। और लेकिन क्योंकि धक्का दिया तो यहाँ का ये एंगल और ये एंगल एक जैसा, ये एंगल एक जैसा होगा। ऐसे फिगर को हम कहेंगे रोम्बस। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी होगा, ये लाइन ये आपस में पैरेलल होंगे, प्लस ऑल साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ऐसे फिगर को हम रोम्बस कहेंगे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी से, तो ये एक ऐसा फिगर जिसमें एक साइड ये साइड थोड़ा बड़ा है लेकिन दोनों आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसके चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ दो ही साइड इक्वल है, और ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल नहीं है, ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, ये साइड के पैरेलल ये साइड है, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, इसमें ये जो एंगल्स हैं ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब ये 90 डिग्री है। ऐसे फिगर को हम रेक्टेंगल कहेंगे, इस फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए इसके ऊपर से झलक सकता हुआ तो टेढ़ा होगा, ऐसा फिगर आएगा, धक्का दिया तो ये आगे की तरफ मुड़ गया। अब ऐसे फिगर में आपका ये एंगल और ये इक्वल, ये इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड के साथ इक्वल है, प्लस ये अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है, ये अपोजिट साइड इस अपोजिट साइड के साथ पैरेलल है। ऐसे स्थिति में हम इसे पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। इसके डायगोनल, अब हम डायगोनल की चर्चा करेंगे।
ये डायगोनल अपोजिट एंगल को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर कट करता है। ये डायगोनल की चीज यहाँ रेक्टेंगल के साथ भी है। रेक्टेंगल में इसके भी दो डायगोनल होंगे और ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो ओ है, अगर बीच में ये सेंटर कट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इस रोमबस के लिए डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं होंगे, रोमबस के डायगोनल इक्वल आपस में नहीं होंगे, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ऐसे तो फिगर बनेगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों तरफ से ये 90 डिग्री का एंगल तैयार करता है। स्क्वायर की चर्चा करें तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, फंक्शन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करता है, और जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। हम लोगों ने डायगोनल में देखा कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, संसद बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, रोमबस में इक्वल नहीं होते हैं डायगोनल लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर टुकड़े करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं बाइसेक्ट करते हैं, ये जो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है। पैरेललोग्राम ये भी इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल टुकड़ा करते हैं। अब आते हैं ट्रैपेज़ियम, इसमें दो ही साइड पैरेलल है, एक साइड और ये साइड, जरूरी नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल हो लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल होना जरूरी है। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे फिगर को हम कहेंगे ट्रैपेज़ियम। आखिरी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट, इसमें एडजेसेंट साइड, इस साइड का सटा हुआ साइड ये साइड दोनों आपस में इक्वल, फिर एक साइड में ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ऐसी स्थिति में ये जो फिगर तैयार हुआ इसे हम कहते हैं काइट। अब देख रहे होंगे काइट का नाम दिया गया है, पतंग जैसा है इसका फिगर, मतलब ऐसा फिगर अगर आ गया तो इसे हम काइट कहेंगे। इसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा बनेगा, लेकिन ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल बाइसेक्ट होगा इस डायगोनल से, ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा लेकिन दूसरा डायगोनल इस डायगोनल के माध्यम से बाइसेक्ट होगा, मतलब ये साइड और ये साइड डायगोनल का इक्वल होगा, प्लस जो यहाँ एंगल बनेंगे सेंटर पर, ये सेंटर पर का एंगल 90 डिग्री का होगा, सेंटर पर का एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम इसे काइट कहेंगे। इस तरीके से हमारे ये 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसका किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं है, ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।